उधर हरियाणा में आगामी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है और आज रोहतक में संगठन निर्माण को लेकर ब्लॉक पदाधिकारियों संघ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा, डॉक्टर अशोक तंवर समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की है। इस मौके पर संदीप पाठक ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को काफी मौके दिए हैं, लेकिन इन्होंने हरियाणा में लोगों के लिए काम नहीं किया, इसलिए अब लोग आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एसवाईएल के विवाद पर केंद्र को जिम्मेदार भी ठहराया और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को चाहिए कि वो पंजाब को भी पानी दे और हरियाणा को भी। पंजाब को भी पानी की जरूरत है, हरियाणा को भी पानी की जरूरत है। पंजाब को पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। हरियाणा को पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो पंजाब की जरूरत है वो पूरा करे। केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा जो हरियाणा में पानी की जरूरत है वो पूरा करे। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो केंद्र सरकार को पूरा करना है। केंद्र सरकार आज तक इस काम पे विफल रही है।